हे गाइस, वेलकम टू पीएससी कैन, दिस इज पीयूष। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ सबसे पहले यूज़ कहाँ होता है और क्यों होता है? तो देखिए, टुडे आज की जो डेमोक्रेसी है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, एंड इतने बड़े कंट्री में इतने सारे जहाँ पे वर्क हो जाते हैं पार्लियामेंट के पास, तो पार्लियामेंट के लिए ये इम्पॉसिबल है सारे काम कर पाना। इसीलिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं वो हेल्प करती हैं पार्लियामेंट को इन मीटिंग ऑल द वर्क्स। ठीक है, और आपको पता है कि पार्लियामेंट जो है हमारा केवल 3 सेशंस के लिए मिलती हैं, है ना? देखिए, आपको 3 सेशंस के लिए केवल मिलती हैं, और वो भी केवल 100 डेज ईच ईयर। तो देयरफॉर इट कैन नॉट गिव क्लोज कंसिड्रेशन टू ऑल द मैटर्स, ठीक है, और डिटेल में वो भी। इसलिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का काम क्या है कि पार्लियामेंट की बिहाफ पे आप जो भी नेसेसरी डिटेल्ड स्टडी चाहिए, है ना, एक्शंस लेने के लिए वो करती हैं। ठीक है, अब देखिए इनके टाइप्स क्या हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के। तो बेस्ड ऑन पर्पस एंड ड्यूरेशन इनके कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इज एडहॉक, सेकेंड इज स्टैंडिंग। देखिए, एडवाइजरी भी हो सकती है या इंक्वायरी कमेटी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन पर्पस दो टाइप हो गया, एडहॉक एंड स्टैंडिंग। अब देखिए, बेस्ड ऑन कंपोजिशन हम लोग देख लेते हैं बेस्ड ऑन कंपोजिशन जो है, सेलेक्ट सिंगल हाउस इन आइदर LS और RS, मतलब लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। तो एक तो सिलेक्ट कमेटी है, दूसरी है ज्वाइंट कमेटी, जो कि दोनों हाउसेस में हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको डिटेल में देख लेते हैं, सिलेक्ट कमेटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए सिलेक्ट कमेटी जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में अगर आप देखोगे तो देखिए एस्टीमेट्स कमेटी, एथिक्स कमेटी जो है वो हमारा स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आएगी। ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे, हॉरिजॉन्टली देखोगे, तो सिलेक्ट कमेटी ये हो गया, और कमेटी ऑन बिल्स जो है ये भी सिलेक्ट कमेटी हो गया। ठीक है, अगर आप वर्टिकली यहाँ पे देखोगे तो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर में ये आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टेबल को आप ध्यान से देख लो। इसी तरह ज्वाइंट कमेटी जो है ये PAC आ जाएगा, और कमेटी ऑन बिल्स ये भी ज्वाइंट कमेटी में आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, एडहॉक कमेटीज वर्सेस स्टैंडिंग कमेटी। तो देखिए एडहॉक कमेटी जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, एंड जो भी वो पर्पस या टास्क पूरा हो जाता है तो उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, रिपोर्ट के बाद, मतलब वो परमानेंट नहीं होती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कमिटीज़ ऑन बिल्स, किसी बिल, सपोज़ कोई पार्लियामेंट कोई एक बिल लाना चाह रही है तो उस बिल के ऊपर एक कमेटी बनाई गई, आफ्टर वो बिल उनका काम हो गया तो उसके बाद उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे रेलवे कॉन्वेंशन कमेटी। ठीक है, कमेटी ऑन ड्राफ्ट 5-year plans। ठीक है, हिंदी इक्विवेलेंस कमेटी। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है एडहॉक कमेटी का। अब देखिए स्टैंडिंग कमेटी देखते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ क्या होता है, परमानेंट होती हैं एंड दोनों हाउसेज में हो सकती हैं स्टैंडिंग कमेटी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कमेटी ऑन पिटिशंस, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस एंड रूल्स कमेटी। तो ये सभी जो भी कमेटीज़ हैं ये हमारा स्टैंडिंग कमेटीज़ में आती हैं, बिजनेस, कमेटी ऑन पिटिशंस, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस एंड रूल्स कमेटी। ठीक है, अब देखिए गाइस, यहाँ पे व्हेन अ बिल कम्स अप बिफोर अ हाउस फॉर जनरल डिस्कशन, तो हाउस जो है ये उसको रेफर कर सकती है सिलेक्ट कमेटी या फिर ज्वाइंट कमेटी ऑफ द टू हाउसेस। ठीक है, सिलेक्ट कमेटी के पास या फिर ज्वाइंट कमेटी के पास। तो मोशन जो भी है, हैज टू बी मूव्ड एंड अडॉप्टेड टू दिस इफेक्ट इन द हाउस इन विच बिल कम्स अप फॉर द कंसिडरेशन। उसके बाद क्या किया जाता है कि अगर मोशन अडॉप्ट कर लिया गया फॉर रेफरेंस ऑफ द बिल टू द ज्वाइंट कमेटी, द डिसीजन इज कन्वेड टू द अदर हाउस रिक्वेस्टिंग देम टू नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ द अदर हाउस टू सर्व ऑन द कमेटी। ठीक है, तो सपोज़ अगर कोई बिल आया एंड ज्वाइंट कमेटी के पास एक कोई मोशन के थ्रू मूव किया गया, तो अदर जो भी हाउस है उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करें ताकि वो उस कमेटी में पार्टिसिपेट कर सकें। अब देखिए, सिलेक्ट और ज्वाइंट कमेटी कंसिडर्स द बिल क्लॉज
बाई क्लॉज जस्ट एज टू हाउसेज डू। ठीक है, तो ज्वाइंट कमेटी देखिए जैसे दो हाउसेज मिल के डिसीजंस लेते हैं, उसी तरह ज्वाइंट कमेटी में दोनों हाउसेज के मेंबर्स होते हैं जो कि डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट्स कैन बी मूव टू वेरियस क्लॉजेस बाई मेंबर्स ऑफ द कमेटी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कमिटी कैन ऑल्सो टेक एविडेंस ऑफ एसोसिएशंस पब्लिक बॉडीज और एक्सपर्ट्स हु आर इंटरेस्टेड इन द बिल। मतलब जो है कमिटी जो है दे कैन टेक एविडेंस ऑफ एसोसिएशंस पब्लिक बॉडीज एंड एक्सपर्ट्स हु आर इंटरेस्टेड इन द बिल। ठीक है, मतलब उनकी भी हेल्प ली जा सकती है। अब देखिए बिल आफ्टर द बिल दस हैज़ दस बिन कंसिडर्ड बाई द कमिटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट, है ना। अब क्या होगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा, है ना। उसके बाद मेंबर्स जो अग्री नहीं करते हैं विद मेजॉरिटी में अपेंड दियर माइन्यूट्स ऑफ डिसेंट टू द रिपोर्ट। तो जो भी डिसेंट है वो भी अटैच कर सकते हैं वो, है ना। उसके बाद देखिए स्टैंडिंग कमेटी इन लोकसभा। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी जो लोकसभा में है, यहाँ हम लोग सिलेक्ट कमेटी की बात कर रहे हैं। तो देखिए एबसेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउस, ठीक है, या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, या फिर कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जनरल पर्पस कमेटी, गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, हाउस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी। ठीक है, तो ये देखिए ये सभी जो एग्जांपल्स हैं, रूल्स कमेटी, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये सभी हमारा स्टैंडिंग कमेटीज़ में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं राज्यसभा में कुछ स्टैंडिंग कमेटीज़। तो कमेटी टू इंक्वायर, ठीक है, इंक्वायर क्या होगा, पिटीशंस प्रिविलेजेस, या फिर एथिक्स कमेटी में है। ठीक है, या फिर कमेटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। ठीक है, जैसे कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, या फिर कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द बिल। तो ये सभी राज्यसभा में कमिटीज़ हैं। अब देखिए कमिटीज़ रिलेटिंग टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड रूल्स कमेटी। ठीक है, इसी तरह हाउसकीपिंग कमिटीज़ में क्या आएगा, तो इसको देख लेते हैं, हाउस कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, या कमेटी ऑन प्रोविजंस ऑफ कंप्यूटर्स टू द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं द 12th कमेटी इन राज्यसभा इस कमेटी ऑन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कितने कौन से कमेटीज़ में कितने मेंबर्स होते हैं। ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी 11, कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल 10, कमेटी ऑन पिटीशंस 10, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस 10, कमेटी ऑन रूल्स 16, एंड कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन 15। ठीक है, इसी तरह कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस 10, जनरल पर्पस कमेटी का फिक्स नहीं होता है, हाउस कमेटी 10, एथिक्स कमेटी 10, कमेटी ऑन प्रोविजन ऑफ कंप्यूटर्स फॉर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 7, एंड कमेटी ऑन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के लिए भी 10। ठीक है, अब देखिए जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी में क्या है, तो देखिए ऑल डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ जो भी होती हैं वो जॉइंट होती हैं। ऑल्सो टू ऑफ द थ्री फाइनेंशियल कमिटीज़ आर जॉइंट, PAC एंड PUC। इन एडिशन टू दीज द, अब कुछ और देख लेते हैं जॉइंट कमिटीज़, है ना। स्टैंडिंग कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कमिटी ऑन ऑफिसेस ऑफ प्रॉफिट, है ना। पार्लियामेंट्री कमेटी टू रिव्यू द रेट ऑफ डिविडेंड पेबल बाई द रेलवे अंडरटेकिंग टू द जनरल रिवेन्यूज, जिसको बोलते हैं रेलवे कॉन्वेंशन कमेटी भी। ठीक है, अब ये सभी कमेटीज़ जैसे एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, लाइब्रेरी कमेटी, फूड मैनेजमेंट, है ना, पोर्ट्रेट या स्टैचू इंस्टॉलेशन के लिए, नेशनल लीडर्स पार्लियामेंट्रियंस के लिए, है ना, सिक्योरिटी, तो ये सभी चीज़ें हैं ये। अब देखिए डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ क्या हैं, सॉरी, अब देखिए डिपार्टमेंट रिलेटेड आउट ऑफ 24 कमेटीज़ जो हैं, 18 कमेटीज़ आर सर्विस्ड बाय द लोकसभा सेक्रेटेरिएट, है ना। तो 18 कमेटीज़ जो हैं 24 में से लोकसभा, एंड 6 कमेटीज़ जो हैं दे विल बी इन राज्यसभा। ठीक है, ईच ऑफ दीज स्टैंडिंग कमेटीज़ कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 45 मेंबर्स, 32 बी नॉमिनेटेड बाई द स्पीकर फ्रॉम एमॉक्स्ट
द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, और जो 15 होंगे वो चेयरमैन राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेशियो देख रहे हो 2:1 का रेशियो आप निकाल सकते हो, है ना। 2 अगर मेंबर्स लोकसभा से हैं तो 1 मेंबर आपका राज्यसभा से होना चाहिए, 2:1 का रेशियो है। ठीक है, अब देखिए कुछ देख लेते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़। तो कमिटी ऑन एग्रीकल्चर है ना, कमिटी ऑन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, कोल एंड स्टील, डिफेंस, एनर्जी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये सभी कमिटीज़ हैं स्टैंडिंग कमिटीज़ ऑफ लोकसभा, है ना। एंड देखिए यहाँ पे कमिटी ऑन फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, आईटी पे, लेबर पे, पेट्रोलियम नेचुरल गैस, रेलवेज, रूरल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, इसी तरह कमिटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट एंड कमिटी ऑन वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, ये हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज़ ऑफ, अब देख लेते हैं राज्यसभा की। ठीक है, तो कॉमर्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, है ना। और लास्ट में ये क्लियर नहीं है गाइस, सॉरी, देखिए पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंसेज, लॉ एंड जस्टिस, ये है। ठीक है, अब देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, और ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर, ये है। ठीक है, तो ये सभी राज्यसभा की थी। अब देखिए फंक्शंस ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, तो न्यूली जो कंस्टिट्यूटेड डिपार्टमेंटली रिलेटेड जो हैं स्टैंडिंग कमिटीज़ जो हैं वो सर्वीलियंस ओवर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती हैं। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म जो है पॉलिसीज, प्लान्स एंड फिलोसफीज हैं गाइडिंग द वर्किंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, उसको देखती हैं। ठीक है, दीज कमिटीज विल बी वे इन अ वेरी प्रिविलेज पोजिशन टू प्रोवाइड नेसेसरी, उनका काम है डायरेक्शन देना, गाइडेंस देना एंड इनपुट्स देना फॉर ब्रॉड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस एंड लॉन्ग टर्म नेशनल परस्पेक्टिव बाई द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसलिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये कंसिड्रेशन जैसे कुछ कुछ मैटर्स को देख लेती हैं। देखिए जैसे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है ना, या फिर एग्जामिनेशन ऑफ बिल्स रिफर्ड टू बाय चेयरमैन राज्यसभा, ये सब चीज़ें हैं, या एनुअल रिपोर्ट्स को कंसिडर कर सकती हैं, है ना, नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को, दीज कमिटीज़ डू नॉट कंसिडर मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वाले मैटर्स को ये कमिटीज़ नहीं देखती हैं, बल्कि इनका काम है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को देखना। तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो ओवर होता है। हमारी अन्य कोर्सेज आप PSC.eGAN से देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।